दुर्ग जिले के लोगों पर हमला करने वाले बंदरों को आखिरकार वन विभाग की टीम ने 5 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ ही लिया। बंदरों का रेस्क्यू करने के बाद उन्हें फिलहाल मैत्री बाघ जू में रखा गया है, लेकिन वन विभाग इन बंदरों को जल्द ही राजनांदगांव के बाघ नदी के जंगलों में छोड़ने की तैयारियां कर रहा है। दुर्ग में पिछले 5 दिनों से बंदरों के आतंक से परेशान शहर के लोगों को अब निजात मिल चुकी है। अपने झुंड से अलग होकर 3 बंदर शहर के करीब 10 से ज्यादा लोगों को काट चुके हैं। वहीं 3 लोगों का शासकीय और निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। बंदरों के आतंक से परेशान होकर कसारी डीह वार्ड के नागरिकों ने वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम भी लगातार 3 से 4 दिनों तक मेहनत करती रही और एक एक करके आखिरकार 3 बंदरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वन विभाग के वन मंडल अधिकारी शशि कुमार ने बताया कि दीपावली के समय किसी शरारती तत्व ने बंदरों पटाखे की लड़ी फेंक दी और उसी से परेशान होकर 3 बंदर झुंड से भटक गए थे। दुर्ग वन मंडल की टीम इसमें लगी हुई थी, हमारे सारे स्टाफ उन बंदर को रेस्क्यू करने में लगे हुए थे। उन सारे बंदरों को रेस्क्यू कर लिया गया है और जो लोगों को घायल कर दिया गया था उन्हें भी हॉस्पिटल वगैरह पहुंचा दी गई है और जो अग्रिम राशि दी जाती है वो दे दी गई है। और इसमें यह है कि जो बंदर अभी दुर्ग शहरों में है, मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप उनको एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस दें, उनको आप छेड़े ना। अगर आप बंदर को छेड़ेंगे तभी वो प्रतिक्रिया में रिएक्ट करता है। और खासकर जो अल्फा मेल वगैरह होते हैं उनको आप तंग ना करें।